हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं फिर से आया हूँ एक नया वीडियो लेके, जो कि एक ऑनर 8X डिवाइस के ऊपर है। मेरे पास जो अभी वेरिएंट है वो है 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। आपने बहुत सारे अनबॉक्सिंग वीडियोस देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ नए टिप्स, कुछ ट्रिक्स और कुछ ऐप्स, जैसे कि लॉन्चर्स, कैमरा ऐप और क्या क्या स्पेशल फीचर्स है इस फ़ोन के बारे में, वो आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। सो यहाँ पे मेरे सामने जो यूज़र इंटरफेस आया है वो अभी यहाँ पे स्टॉक यूज़र इंटरफेस नहीं है। मैंने यहाँ पे एक नया लॉन्चर यूज़ किया है जो कि पोको का F1 लॉन्चर है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यूज़र इंटरफेस है वो बहुत ही यूनिक हो गया है, बहुत ही ईजी हो गया है। जैसे इसका जो बेसिक स्टॉक एंड्रॉयड लॉन्चर है वो आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि EMUI का बहुत कम यूज़र्स पसंद करते हैं। तो साथ ही साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि इस फ़ोन में क्या क्या स्पेशलिटीज़ है और कैसे कैसे आप इसकी चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं सेटिंग के साथ। तो सबसे पहले जब हम सेटिंग्स में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि इस फ़ोन में जो जो डिफरेंट चीज़ें दी गई है, जैसे कि डिस्प्ले को रिगार्डिंग, तो डिस्प्ले पे आप यहाँ पे आई कम्फर्ट जोन को अपने सिस्टम के हिसाब से कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसमें आप नॉच डिस्प्ले को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने जो डिफ़ॉल्ट नॉच डिस्प्ले करके रखा है, यदि मैं हाई नॉच पर जाता हूँ तो ये डिवाइस एक स्क्वायर डिवाइस में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप अपने व्यू मोड्स को चेंज कर सकते हैं, किस हिसाब से आपको रखना है। स्क्रीन सेवर यदि आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्रीन सेवर रख के रखा है, जो एक नया ऐप है जिसमें आपको बहुत ही डबल टैप टू वेकअप वाला फीचर्स मिल जाएगा। अभी हम स्मार्ट असिस्टेंस में चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे मोशन कंट्रोल्स हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ। फ्लिप टू म्यूट बहुत अच्छा फीचर है। जब आप फ़ोन को नीचे रख देते हैं तो ये ऑटोमेटिक म्यूट्स हो जाता है, अलार्म को म्यूट कर देता है। साथ ही साथ जब आप फ़ोन को ऊपर उठाते हैं, इस फ़ोन में डबल टैप फीचर्स नहीं है, लेकिन हुआवे ने इसके UI के साथ बहुत अच्छे चेंजेस किए हैं, जो कि मेरे हिसाब से EMUI वर्जन 8.2 पे भी काम कर रहा है, जो कि एंड्रॉयड ओरियो बेस्ड है। सो आप देखेंगे, आप जैसे ही फ़ोन को उठाते हैं ये फ़ोन कॉल को पिक कर लेता है, आपको पिक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा, आपके डिवाइस को भी पिक करेगा। आप जैसे कान के पास अपने फ़ोन को ले जाते हैं ये ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन को आंसर कर देगा। अभी मैंने इसको डिसेबल करके रखा है। स्मार्ट स्पीकर है और ब्लूटूथ हेडसेट है। इसका फीचर ये है कि जैसे आपका आपने अपने फ़ोन को ब्लूटूथ हेडसेट के साथ कनेक्ट करके रखा है, लेकिन जैसे आप ईयर के पास अपने ले जाते हैं ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का एक फीचर है, जो कि बहुत ही क्विक, जिन जिन लोगों को इसका स्क्रीनशॉट्स लेना है इजीली क्विकली, वो इसके थ्रू बहुत जल्दी ही इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शेड्यूल पावर ऑन ऑफ इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ एंड्रॉयड डिवाइस। साथ ही साथ हम चले जाते हैं हमारे अबाउट फ़ोन में, हम देख लेते हैं कि अभी जैसे मैंने यहाँ पे EMUI S9 Plus का यूज़ किया है। बिल्ड नंबर, मॉडल नंबर यहाँ पे दिया है। EMUI वर्जन है 8.2 और एंड्रॉयड वर्जन है 8.1, जो कि एंड्रॉयड पाई पे अपडेट हो सकता है। सो मेरा पास जो फ़ोन है 64GB है, जिसमें से यदि मैंने PUBG वगैरह डाउनलोड ना किया होता तो ये बड़ा थोड़ा मेरे पास बचा रहता, बट नो इशू। सो जब हम आगे चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके कैमरा फीचर्स के बारे में। तो जो मुझे सबसे अच्छा फीचर लगा वो था यहाँ का इसका AI मोड, जो कि इमेज को बहुत ही यूनिक वे में एनहेंस करता है। अभी जैसे मैं आपको यहाँ पे सामने स्क्रीनशॉट एक पिक्चर कैप्चर करके दिखाता हूँ, ये AI मोड के साथ है और ये विदाउट AI मोड के साथ है। तो आप ड्रास्टिकली डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पे इमेजेस में। जैसे अभी आप देखेंगे ये विदाउट AI मोड है, यहाँ पे एक AI का ऑप्शन नहीं आया है, और ये विथ AI मोड है। आपने देखा इसमें शार्पनेस और जो बैकग्राउंड का एनहेंसमेंट है वो बढ़ गया। आप यहाँ पे आफ्टर कैप्चरिंग भी इसको अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। सो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। आप डिटेलिंग देख सकते हैं, डेलाइट फोटोग्राफी में मैंने जब कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं तो इसकी डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है, लेकिन इट इज़ विजिबल, क्योंकि इसका जो सेकेंडरी कैमरा है वो ओनली 2 MP का है, तो आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। बट द अमाउंट ऑफ फोटोग्राफी एंड डिटेलिंग, इट इज़ रियली वेरी नाइस। वीडियोस ये अप टू 1080 में कैप्चर करने में कैपेबल है, और स्लो मोशन वीडियोस भी कैप्चर कर सकता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें आप लोगों ने ऑलरेडी इसका अनबॉक्सिंग वीडियोस एंड ऑल देखा होगा। वैसे मैंने भी एक अनबॉक्सिंग वीडियो इसका अपलोड किया है, प्लीज़ यदि आप देखना चाहेंगे डिटेल में तो मैं वहाँ पर आपको सब कुछ बता सकता हूँ। सो यहाँ पे आप डिटेलिंग देख सकते हैं कि कितना डिटेल में ये जा रहा है। आप यदि फैब्रिक का भी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं। ये AI मोड के साथ मैंने फ़ोटो खींचा, यदि मैं इसको आफ्टर चेंज करता हूँ तो ये क्या क्या चेंजेस आए ये भी यहाँ पे शो करेगा। अब चलते हैं गेमिंग के बाद में। तो मेरा 6GB मॉडल है,
6 GB मॉडल में मुझे गेमिंग से रिगार्डिंग कोई भी परेशानी अभी तक नहीं आई है, क्योंकि मैं यहाँ पे पबजी खेलता हूँ। मेरे पास दो तीन हैवी ग्राफिक्स गेम है, जैसे PES है, पेस 2019 है मेरे पास, और मेरे पास पबजी भी है, साथ ही साथ मैं छोटे मोटे गेम्स भी चलाता हूँ। तो मुझे कुछ भी स्टैंडर्ड सेटिंग पे कुछ भी ऐसा परेशानी नहीं हुई गेम हैंडल करने पे, फ़ोन लैग नहीं होता है, फ़ोन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। बैटरी के बारे में यदि आप बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 1.5 डे का मुझे बैकअप दे देती है। साथ ही साथ बस इसमें एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो इसका ईयर पीस दिया है वो बहुत ही छोटा दिया है, जो कि जिसके कारण यदि आप जब भी फ़ोन लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम सबको फ़ोन उठाने में प्रॉब्लम जाता है। ओके, थैंक यू, हैव अ